और ये कहती है जब भी मेरे फादर जो हैं वो आते थे टीवी पे या कोई बात होती थी तो जहीर एक जुमला बोलता था और ये जुमला भी यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास में कि चैन नहीं तेरे बाप को असलैक्म नाजरन मैं हूँ कैसली मीर उम्मीद करता हूँ खैर ऐसे होंगे दुनिया के जिस कोने में होंगे अच्छा पैराग्राफ थर्टी फाइव पे आते हैं जी अब ईद को तकरीबन दो या तीन दिन रह गए हैं मैं अब आपको बताता हूँ कि दुआ ज़ारा क्या कहती है और इनको हवेली लखा में छिपाने का मकसद ये था कि क्योंकि ईद करीब थी दो दिन के बाद ईद थी तो इन्होंने कहा कि आना जाना है तो ऐसा ना हो कि किसी की नज़र पड़ जाए दुआ पर और वो कहीं जाकर बता दे अच्छा हवेली लखा में यह भी इनकशाफ हुआ है कि दुआ कहती है कि जहीर ने जो है वहाँ पर कमरा जो है वो किराए पर लिया एक छोटा सा कमरा और जनाब उसमें जो है कदीर भी साथ रहता था नूर बीबी रहती थी और जहीर भी था और कभी कभी शबीर भी आके रेस्ट कर लेता था वो एक कमरे जो इन्होंने लिया हुआ था उस कमरे में इसको एक हफ़्ता ठहराया गया अब दुआ इसमें बताती है पैराग्राफ थर्टी फाइव में कि ये जो उसके सात दिन थे ये इतने अजियतनाक गुज़रे हैं क्योंकि इसमें बार 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 जहीर इसको कहता था कि अपने बाप का नाम मेरे सामने मत लो ये जब भी कोई जिक्र करती थी और ये हमेशा दुआ ज़ारा का यही मौक़ रहा कि मैं वापस जाना चाहती हूँ मेरी वालदेन से मुलाकात कराओ और ये जब बात करती थी और जब अपने वालिद का मेहदी भाई का नाम लेती थी फिर उसको ये कहता था कि इस इंसान का नाम मेरे सामने मत लो इसका छोटा सा मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जैसे कि जैसे इनका शाम को पैनल बैठता था ना और ये तजलील करते थे वालदे की और मेहदी भाई की और इन सब लोगों की इसी ये वो तमाम अल्फाज जो हैं वो जहीर के आप समझे अब इसके बाद दुआ आपने इसी बयान में लिखती है थर्टी फाइव पैरा में लिखती है कि इसने मुझे इतनी बार ये लफ्ज़ बोला है कि अब वाले के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है और अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि तुम घर से भाग कर आई हो अब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा और कोई भी ख़ानदान तुम्हें कबूल नहीं करेगा और तुम्हारे वालदेन तुम्हें कभी भी कबूल नहीं करेंगे और गारत के नाम पर तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा ये एक हफ्ते जनाब इसको इसका दिमाग जो है वो इस तरह बोल बोल के बोल बोल के अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि दुआ जहरा की क्या ऐज है और इस एज में जब इतना इसको फीट किया जाएगा तो उसका जो सबसे बड़ा खौफ मैं कल भी मैं जब बयान पाड़ा था बत्तीस उसमें मैंने आ, उस वकील को कहा था उस आ, मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि मुझे फैमिलीज़ देखती हैं उसको मैं वकील भी नहीं कहता उसको सिर्फ मैं ढक्कन कहता हूँ वकील ना कहा करें वकील बहुत अच्छे लोग हैं मेरे सबसे ज़्यादा दोस्त जो हैं वो बुकला हजरात हैं और जितने तालीमी याफ्ता पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोग हैं मैं आपको मैं आपको क्या बताऊँ आपको पता होगा कि कैसे उनकी गुफ्तु होती है यानी हाउ वो ढक्कन जो बार बार आ, इसने अदाकारा ने उसका बार बार कम्यूनिटी पे वो शेयर किया कि देखें कैसी सच्चाई बयान की है ढक्कन ने ठीक है वो यही कहता था भाई कि पुलिस भी साथ रही रेंजर्स भी साथ रहे और जनाब चार सूबों की पुलिस साथ रही लेकिन इस बच्ची ने नहीं कहा ओ भाई इस बच्ची ने इसलिए नहीं कहा ना उसको डरा रहे हो उसको धमकियां दे रहे हो ठीक है संगीन नतज जो है तुम कह रहे हो तुम्हें भुखरने पड़ेंगे तुम्हारे पूरे ख़ानदान को तो इधर तो अच्छे से अच्छा इंसान भी जो है वो भी झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है अच्छा ये जनाब इसका दिमाग में ये बातें बार बार करता रहा और ये जो सात दिन थे ये सबसे ज़्यादा अजियतनाक थे क्योंकि एक ही कमरे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसमें नूर बीबी भी, भी, भी रह रही है कदीर भी रह रहा है ये दोनों भी रह रहे हैं और फिर उसके बाद शबीर भी कभी चक्कर लगाता था तो जब चक्कर लगाता था तो एक रात वहीं पर स्टे करता था उसी कमरे में अब आते हैं जी पैराग्राफ 36 पे 36 में दुआ जो है वो क्या बयान करती है ईद गुजर गई और दोबारा इसको लाहौर वापस लेकर चले गए अब यहाँ पे एक और दुआ जारा ने बात लिखी है कि लाहौर में जब हम पहुँचे और वहाँ पे जाके ये हर वक्त जो है अपडेट देखता रहता था कि अब क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है और ये कहती है जब भी मेरे फादर जो हैं वो आते थे टीवी पे या कोई बात होती थी तो जहीर एक जुमला बोलता था और ये जुमला भी यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास में कि चैन नहीं तेरे बाप को ये जुमला बोलता था जी जिसे आप बड़ा मासूम समझते हैं जिसे बेचारे को बड़ा भोला जो लोग समझते हैं जो धक्के दे के और दो नंबरी करके रक्षों में जो है दुआ जारा को जलीलो ख्वार करके अगवा करके लेकर गया था और इसके जो हमदर्द बैठे हुए हैं तो अभी बहुत कम रह गए है, हैं ही कुछ नहीं है लेकिन वो भी अगर सौ में से दो फीसद भी लोग हैं तो फिर उनकी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते अच्छा जी ये जुमला बोलता था चैन नहीं तेरे बाप को तो चैन क्यों होगा बाप को बाप को चैन आ जाए तो वो बाप ही नहीं होता ना बाप को कैसे चैन मिल जाएगा कि उसकी बेटी जितना वो उससे मोहब्बत करता है दुनिया का हर वालिद उसको कैसे चैन पड़ जाएगा चैन तो पढ़ना ही नहीं था और इसके बाप को क्या पढ़ना था पाकिस्तान के किसी बाप को भी चैन नहीं था जितने ओवरसीज थे किसी को भी चैन नहीं था मेरा मेरा व्हाट्सएप भरा मेरी वीडियोस आप लोग देखें जिसके अंदर पूरी दुनिया से लोग रोए हैं पूरी दुनिया से माएँ बहन बेटियां सब रोए हैं और तुम ये जुमला अदा कर रहे हो कि तेरे बाप को चैन नहीं किसी को चैन नहीं और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक तुम पूरे के पूरे लोगों को जो है ना हम देखते नहीं है जेलों के अंदर सड़ते हुए और कुटते हुए और तुम्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा और ये ट्रेंड सेट किया जाएगा पाकिस्तान में कि खबरदार किसी की बच्ची पे गंदी नजर मत रखना तुम जैसे ये जितने दो नंबर लोग हैं ना वो दस बार सोचेंगे इस दुआ जारा केस के बाद कि वो बच्ची को वर्गला के भगा के जो है वो ले के कि ना जाएं हम उस आखिरी हद तक इंशाल्लाह जाएंगे और पूरा पाकिस्तान खड़ा है हमारे साथ और पूरे सारे ओवरसीज खड़े हैं हमारे साथ तुम्हें ऐसे कहां से छोड़ दें तुम्हें ऐसे कैसे मेरी भाई छोड़ देंगे या पूरा पाकिस्तान तुम्हें छोड़ देगा अच्छा और बार बार इसको यही कहा गया कि अपने बाप का नाम मेरे सामने मत लो मैं उससे नफ़रत करता हूँ अच्छा अब आगे पैरा थर्टी सेवन है और जनाब ये बहुत ज़बरदस्त है आप लोग हंसेंगे भी और इसमें वो तमाम हकैक़ आपके सामने आएंगे आपको याद होगा इनकी वीडियोज़ जो हैं वो वायरल की गई थी सोशल मीडिया पे और इसमें वो सालगिरह भी और वो दूसरी तस्वीरें जो आप लोगों के सामने आई थी जिसमें दुआ ज़रा बड़ी खुश है और ये सारा कुछ है वो क्या हकीकत है वो ज़रा आप ज़रा सुने अच्छा जब सोशल मीडिया पे जनाब हर जगह दुआ जहरा दुआ जरा दुआ जरा होने लगी तो इन्होंने क्या किया इन्होंने ये कहा कि भई ये तो मेहदिक आदमी हर दो दिन के बाद किसी चैनल पर आए थे किसी जगह पर आके सारी बात कर देते हैं तो हम अब दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखो दुआ ज़ारा कितनी खुश है तो उसके लिए फिर इन्होंने क्या प्लान किया जी इन्होंने कहा जी दुआ ज़ारा की तस्वीरें खींचो खुशी ख़ुशी हंसने वाली ताकि लोगों को पता चले कि दुआ ज़ारा बहुत खुश है अब इसमें क्या क्या करैक्टर शामिल होते हैं ज़रा मैं आपको बताता हूँ अब हम आ गए हैं जी पैरा थर्टी सेवन पे ठीक है जी थर्टी सेवन में दुआ ज़ारा बताती है अब इस ग्रो ने क्या किया जी जिसमें इसने नाम भी लिखे हैं दुआ ज़ारा ने बयान में यासमीन शबीर नूर बेबी और जहीर ये अब क्या करते थे कि जनाब इसकी वीडियोस बनाते थे और तस्वीरें खींचते थे और ज़बरदस्ती इसको कहते थे कि तुम मुस्कुराओ और कट्ठे हो के तस्वीरें जो हैं वो ताकि हमने सोशल मीडिया पे चढ़ानी है दुनिया को पता चले कि तुम कितनी खुश हो और कितनी मुतमिन हो और तुम अपने बाप से कितनी नफ़रत करती हो और इसमें एक और बात कि आप ये देखें कि दुआ जारा कितनी मजबूर होगी कि अगर इसके चेहरे पर स्माइल भी नहीं होती थी ना और कहा जाता था कि तुम हँसो ज़बरदस्ती हँसो वो जो सारी तस्वीर मीडिया सोशल मीडिया पे आई हैं ये मुस्कुरा रही है और पास खड़ी हुई है और हक ये थे कि पहले ये पचास सत्तर तस्वीरें खींच लेते थे और जिस पर मुतमिन होते थे ना वो सोशल मीडिया पे ये वायरल करते थे ये बयान में इसने लिखा हुआ है और इसने ये भी लिखा है कि दुआ जारा ने गेस्र वो देना है जैसे ये अपनी खुशी से और मर्जी से जो है वो इसके साथ आई है और इसमें जो घटिया मेकअप हमेशा इस बच्ची का किया ये भी आपको बताऊंगा इसके ऊपर पूरा एपिसोड मैं आपको बनाऊंगा शबीर की बीवी जो यासमीन है ये सारे मेकअप जो इसी औरत ने किए हैं जो हम लोगों ने वीलॉक्स किए थे वीडियोस बनाई थी और हमने ये बात की थी मैंने ख़ास तौर पे की थी आ, जब इसका एक इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें इसको बड़ा करके दिखाया गया था येलो कलर के इसने मेरे ख्याल से वो कपड़े पहने हुए थे और जिसमें जो है वो विग भी लगाई थी इस बच्ची को और जनाब बड़ा जनाब इसका मेकअप किया था कि बड़ी बड़ी लगे मैंने उसी वक्त कह दिया था कि नहायत कोई बहुत ही घटिया ब्यूटी पार्लर है जहाँ से इसको तैयार कराया गया जो धुल्लो को भी हज़ार रुपया ले ना तैयार कर देती हैं ऐसे ब्यूटी पार्लर वो असल में ब्यूटी पार्लर नहीं वो ये शबीर की बीवी सारा मेकअप करती थी वो आगे चल के आपको सारा मैं बताऊंगा कि हुआ क्या है अच्छा जी अब हम पैरा नंबर थर्टी एट पे आ गए हैं दुआ लिखती है कि एक दिन दोपहर में शबीर जो है चीखता चलता हुआ घर वापस आया और उसने कहा फौरन यहाँ से निकलो क्योंकि सिंध पुलिस जो है वो छापे मार रही है अब यहाँ पे सीन जो क्रिएट हो रहा है वो ये हो रहा है कि इनको सिंध पुलिस जो है वो छापे मार रही है और ढूंढ रही है और ये खबर जो है शबीर तक पहुंची और ये भागता हुआ सांस इसकी फूली हुई और कहा यहाँ से निकलो पुलिस ने छापे मारने शुरू कर दिए फिर दुआ लिखती है कि इस दफ़ा ये मुझे लेकर गए हैं एक नई जगह पर जो एक नए दोस्त के पुराना दोस्त नहीं ये कोई नया दोस्त था और वहाँ पे जाते हुए रास्ते में बार बार शबीर ने इसको डराया धमकाया और ये कहा कि अगर तुमने अपनी ज़ुबान खोली या किसी को बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है तो तुम्हें मार दिया जाएगा इसलिए अपना मुँह तुमने बंद रखना है अच्छा इसके बाद दुआ कहती है कि शबीर ने अपनी मोटरसाइकिल कदीर के साथ अपने घर में खड़ी कर दी जो मतलब वो कदीर वहीं ठहरा हुआ था अब इनका दिमाग देखें और जनाब ये क्या कह रहा है शबीर ने कहा जहीर को कि एफआईआर जो है वो सूबह सिंध में दर्ज है और निकाह नामा सूबह पंजाब का है इसलिए दोनों सूबों की जो पुलिस है वो लाजमी छापे मारेगी और हमें ढूंढेगी क्योंकि हर चीज़ इनके पास मौजूद है अब इनका जो मूव होना है ना जी इस वजह से उन्होंने कहा हम यहाँ से हम इन दोनों सूबों से बाहर निकलते हैं और वहाँ पे इनकी डिस्कस हुई जिसको दुआ ने सुना और ये बयान में उसने लिखा है कि जनाब इन्होंने कहा या बलूचिस्तान हम लोग चले जाते हैं या फिर के पी के हम लोग चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हम मतलूब हैं और ये लोग हमें चैन से बैठने भी देंगे हम इसी तरह भागते रहेंगे तो हम यहाँ से ये वो हकीकत थी कि ये लोग फिर के पी के की तरफ निकले अच्छा जी आप पैराग्राफ थर्टी नाइन में बताती है दुआ हजारा कि यह जो सफ़र था यह भी इंतहाई तकलीफ़ दे सफ़र था ये एक गाड़ी में बैठे जी इन्होंने सफ़र किया और ये गाड़ी भी किराए पर ली गई थी अच्छा जी दुआ ने अपने बयान में बताया कि इस गाड़ी में जो है शबीर शबीर की बीवी यास्मीन जो है उसका नाम है और उनकी वालदा और जहीर जो है वो इस गाड़ी में बैठे और ये तवील सफ़र इन्होंने किया और जनाब सूरज निकलने से पहले मतलब तकरीबन शहरी के टाइम जो है ये लोग के पी के वहाँ पहुँचे हैं और फिर दुआ लिखती है कि वहाँ पहुँचने के बाद जो इसको रस्ते में भूखा भी रखा गया सारे रास्ते और के पी के पहुँचने के बाद एक रेस्टोरेंट पे ये लोग रुके जहाँ पे इन लोगों ने खाना भी खाया और चाय भी पी और जनाब उसी रेस्टोरेंट में बैठ के इन्होंने गाड़ी बदलने की भी बात की ये भी बयान में लिखा गया है कि शबीर और जहीर ने जो है वो गाड़ी बदलने का कहा कि आप गाड़ी को बदल लेते हैं ऐसा ना हो कि ये ट्रेस में हो या जो भी इन्होंने चेक पोस्ट वगैरह क्रॉस की होगी उस हिसाब से इन्होंने जनाब गाड़ी दूसरी किराए पर ली अच्छा दुआ कहती है कि जब ये दूसरी गाड़ी वापस लेकर आए हैं तो फिर इनके साथ एक दूसरा सहूलतकार भी आया जिसका नाम वसीम बताया जाता है और ये मतलूब है चार वारंट गिरफ्तारी निकल चुके हैं अभी तक इसको नहीं गिरफ्तार किया गया ये दूसरा राय खुरम के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सहूलतकार वो वसीम था अब आगे जो कहानी शुरू हो रही है वो जनाब वसीम की शुरू हो रही है और वो चालीस नंबर पैराग्राफ है वो इन अगली वीडियो में आपको बताऊंगा और जनाब जहीर और शबीर ने दुआ ज़ारा को बताया कि ये हमारा ख़ानदानी दोस्त है अब ये वसीम कौन था ये क्या करता था और ये कहाँ से आया था इसके पास गाड़ी कौन सी थी, थी और ये कैसे ले इनको लेके फिरता रहा है और कैसे सहूलत कारी करता रहा है ये भी ये भी जो बयान है अपना पैराग्राफ फोर्टी में दुआ ने सारा कुछ बताया है इन ये अगली वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें वीडियोस को शेयर करें जिस जिस जगह पे इसको शेयर कर सकते हैं क्योंकि हर वीडियो के आखिर में यही बात कहता हूं कि ये ना कैसली बात कर रहा है ये ना मैदिक काजमी बात कर रहा है ये दुआ जहरा बो रही है जिस पर बीती है और इससे बड़ा सच अब और आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा और अभी भी कुछ ऐसे जाहिर लोग हैं कम हैं वो भी आके मुझे कमेंट करते हैं कि हम तब तक यकीन नहीं करेंगे जब वो मीडिया पर आकर ये बात नहीं करेगी तो उनके लिए मेरा एक पैगाम है कि आप लोग सब्र करें एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और उसके बाद भी अगर आपने अपने मुंह खोले जो हम लोगों को तनकीद का निशाना बनाते हैं मेहदी भाई को बनाते हैं या इस बच्ची को बनाते हैं तो फिर आपने ख़ुद बताना है कि हम आपके साथ क्या करें इन मिलते हैं अगली वीडियो में और वहाँ से किरदार शुरू हो रहा है वसीम का और ये पैरा चालीस है जिसमें दुआ ने बयान किया है कि वसीम कौन है और इसने कितनी जगह पर क्या क्या सहूलत कारी की है मिलते हैं अगली वीडियो में देखते रहें अल्लाह टी वी अल्लाह हाफिज़